तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवी प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणा निदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ उठा कर बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महात्म को। ये महात्म दो पुराण में आती हैं, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। कल हम लोग ने पद्म पुराण की कथा सुन रहे थे, आज थोड़ा हम लोग स्कंद पुराण की कथा सुनेंगे। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती सुनते ही उसी समय उन्होंने प्राण त्याग दी। बोले क्यों? बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये दुनिया में रह करके क्या लाभ है। शिक्षा देती हैं तब तक ये जीवन को धारण करनी चाहिए अगर ये जीवन में भगवान की भजन हो रहा है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं हो रही है कहते भैया ये शरीर रखकर कोई तुम्हारे लाभ नहीं। इसलिए हमारी संप्रदाय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बोले पाषाणी कुटीब माथा अनाले पसीब गौरांग गुनीर निधि को थागेले पाव। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इसी दुनिया से चले गए बोले भैया ये शरीर और मैं नहीं रखूंगा, ये सर को पीट पीट करके ये शरीर को फोड़ दूंगा, नहीं तो आग को अंदर में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। बोले क्यों? जब भगवान ही नहीं रहे फिर ये जीवन धारण करके क्या लाभ है। इसलिए पंच पांडव भी जब सुना कृष्ण ही नहीं रहे, पांडव लोग भी ये दुनिया को त्याग दी। लेकिन जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को और वृंदावन का राजा श्री बज्रनाम को बना कर गए। एक दिन परीक्षित महाराज ब्रज में गए, बोले बज्रनाम सब कुशल मंगल है ना,
बल आपका आशीर्वाद सब कुशल मंगल है, लेकिन एक चीज की अभाव है, ये ब्रज में कोई है ही नहीं, इसलिए मन बड़ा उदास है। क्योंकि जब कृष्ण ये दुनिया छोड़कर गए, जब इसी जगत में भगवान आते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कारी सपार सदस्यो धाम सह अवतारी। जब इसी दुनिया में भगवान आते हैं, वो धाम समेत इसी जगत में आते हैं, लेकिन जब जाते हैं पूरा धाम को लेकर ठाकुर जी चले जाते हैं। जब कृष्ण इसी दुनिया से गए, यहाँ के सारे को सारे भक्त तक गए, और वहां के जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी तक भी थे, वो सब के सब दुनिया छोड़कर चले गए। क्योंकि ब्रज में जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले कृष्णान कुल्यन, सब के सब कृष्ण सेवा में मदद करने वाले, और सबके सब चले गए, कोई ब्रज में है ही नहीं, इसलिए मन बड़ा उदास। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं भी नहीं गए, कृष्ण अभी भी पूर्ण रूप में है दुनिया में। लेकिन ये रहस्य को कौन जानते हैं, बोले सांडिल ऋषि नंद बाबा की जो कुल रहते थे उनको ये रहस्य पता है। तो उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी सी कृपा करके ये ब्रज की महत्व को आप इनको सामने वर्णना करो। तब श्री सांडिल्य ऋषि कहते, देख बज्रनाथ, भगवान की दो तरह के लीला है। कितने तरह के, कितने तरह के लीला है आप लोग सुन रहे कि नहीं, कौन कौन कथा सुन रहे? हाँ, इधर उधर देखना नहीं, कौन कैसे साड़ी पहन करके आ रही है, इधर उधर नहीं देखना, कथा सुनना। इसलिए कहते भगवान की दो तरह का लीला है, एक उनकी वास्तविक लीला है और एक उनकी व्यवहारिक लीला, साधारण लीला है। बोले जो वास्तविक जो लीला है, भगवान वृंदावन छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं। बोले वृंदावनम परितेज पाद एकम न गच्छामी, मैं कभी वृंदावन छोड़कर कभी जाता ही नहीं, ब्रज में ही नित्य विराजमान करता हूं। लेकिन ये साधारण जो लीला है, भगवान आए और भक्तों को आनंद दिया प्रभु लीला की, और दुनिया छोड़कर ठाकुर जी चले गए। लेकिन जो वास्तव लीला है, कृष्ण अभी भी वृंदावन में है। बोले हमें क्यों नहीं दिखती है? बोले कारण है, बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोचनेन संतः सदैव हृदयसु बिलोकयन्त। जब हम अपना आंखों में प्रेम रूपी काजल लगाएंगे, फिर तो प्रभु का लीला अभी भी दर्शन होगा। लेकिन हमारे आंखों में क्या बैठा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, यही सब आंखों में हम लगा कर बैठे हुए हैं। इसलिए हमें प्रभु की लीला, हमें दर्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन श्री बज्रनाथ, श्री सांडिल ऋषि ने कहा, देखो अगर तुम अभी भी भगवान की सेवा करोगे ना, ये धाम को प्रकाशित करोगे, अभी भी तुम देखोगे कृष्ण सर्वत्र है, भगवान कृष्ण अभी भी सर्वत्र है। हमारी संप्रदाय में इतने प्रमाण है, इतने प्रमाण, श्री श्यामानंद प्रभु को राधा रानी की जब सेवा कुंज में झाड़ू लगाया करते थे, राधा रानी का नाम को ले ले करके रो रो करके, हे राधे कब हमारे ऊपर में तुम कृपा करोगे? तब राधा रानी स्वयं उनको दर्शन देने के लिए प्यार का जो नुपुर छोड़ करके गई, और वो संतों को नुपुर को प्राप्त हुई, और अपना हाथों से श्री किशोर जी की चरण में उम्र नुपुर पहनाया। जब श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास में आए, अभी रूप गोस्वामी की इच्छा बड़े भैया को थोड़ा खीर खिलाओ, राधा रानी स्वयं आकर के बालिका बन करके श्री सनातन गोस्वामी के लिए उन्होंने अपना हाथों से खीर बना कर गई, और सनातन गोस्वामी जब खीर खाए ना, राधा रानी के हाथ की इनके रोम रोम खिल उठा। बोले सनातन, बोले रूप, तुमने मन में कुछ इच्छा की थी? बोले हाँ, आप तो बड़े दिनों में आए हो, मैं सोच रहा था आपको थोड़ा खीर खिलाओ। बोले सनातन, रूप ये बताओ, ये घना घोर जंगल में कौन तुम्हारी मन की बात समझे
और ये खीर बना करके जाए। वो जो लाली आई थी ना, वो साधारण लाली नहीं थी, वो स्वयं से राधा रानी की खीर का आकर देख कितने ये खीर में स्वाद है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे। एकदम जेठ के महीना, चिलचिली हुई धूप थी। जब एक वृक्ष को नीचे लेट गए, कृष्ण बलराम प्रकट होते हैं। कृष्ण उनके सर को अपना जंघे के ऊपर रख देते हैं और बलदेव प्रभु उनको ऊपर में अपना चुंदरी से छाया करते हैं। जब इनकी होश आई, ठाकुर जी ने बताया, देखो बाबा इतने और कष्ट मत किया करो, रोज वृंदावन से गोवर्धन आओ, पूरी परिक्रमा लगाओ, मथुरा जाओ, माधुकरी लो, फिर वृंदावन में आकर के फिर माधुकरी खाए। दिन में 50 किलोमीटर बाबा चलते थे। बोले इतने कष्ट करने का जरूरत नहीं, वृंदावन में रहो, भजन करो। बोले नहीं, जब तक मैं रहूंगा जरूर परिक्रमा करूंगा। बोले तेरे को मैं एक चीज देता हूँ, अगर इसको 4 बार परिक्रमा करोगे ना, गिरिराज परिक्रमा की फल मिल जाएगी। तब कृष्ण ने बड़ी मीठी मीठी प्रभु ने बंसुरी बजाई, बंसी ध्वनि से पूरा गिरिराज पिघल गए। एक तो ठाकुर जी लाला है और एक अपना लाला है, और ठाकुर जी का नाम मदन मोहन, प्यार से बोलती थी ये मदना, और छोटा बेटा का नाम सदना, ये मेरे दो लाला है। और वो दो लाला को सेवा करती, ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के इनके हाथ की खिचड़ी खाया करती थी। और खिचड़ी कैसे बनाती है, कपड़ा अभी तक छोड़ी नहीं, सो रही थी, उठ करके बासी कपड़ा में एक हाथ में दांतन करती थी, दूसरे हाथ में खिचड़ी चलाती थी। सनातन गोस्वामी बोले मैया ये ठाकुर जी है, पवित्र हो करके उनको खिचड़ी खिलानी चाहिए, और तुम तो एक हाथ में दांतन करती हो, दूसरे हाथ में खिचड़ी चलाती हो, ऐसे नहीं पाप लग जाएगा, नहा धो करके पवित्र हो करके खिचड़ी बनानी चाहिए। बोले ठीक है बाबा, हम तो मूर्ख आदमी कुछ नहीं जानते, पहले तो घर में बाथरूम होता नहीं, पहले जंगल में बाथरूम के लिए जाते थे, फिर यमुना में स्नान करते थे। दूसरे दिन गए तो ठाकुर जी देखा, सवेरे सवेरे जैसे बच्चे उठते ही भूख लगता है, अभी ठाकुर जी बिस्तरा से उठ करके बैठी बैठ करके रो रहे थे। बोले मैया भूख लग रही है, मैया हमें खिचड़ी खिला दे, मैया भूख लग रही है। और मैया कहाँ गई, मैया गई स्नान करने के लिए यमुना में, हैं पवित्र होकर के आएगी, आज अच्छी तरह से खिचड़ी बना कर खिलाएगी। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी ने देखा ठाकुर जी सवेरे उठ करके रो रहे, खिचड़ी के लिए रो रहे। फिर सनातन गोस्वामी जो माता जी आए ना, बोला आपको पवित्र बनने का जरूरत नहीं, ठाकुर उसी में ही खुश है, पहले जैसे खिलाते थे ना ऐसे ही ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाओ, जरूरत नहीं तुम स्नान करने का, क्योंकि भगवान केवल प्रेम के ठाकुर जी भूखे हैं, ठाकुर जी प्रेम के ठाकुर जी भूखे हैं। इसलिए ठाकुर जी एक दिन बोले मेरे को साथ में ले चलो, तेरे साथ में चलूंगा। बाबा को बोले देखो तू तो यहाँ पर रोज बड़े सुंदर सुंदर खिचड़ी, कभी राबड़ी, कभी मालपुआ, कभी है बड़े सुंदर सुंदर मिठाई खाते हो। बोले भैया मैं संत आदमी हूँ, मैं तो भीख मांग करके ले आता हूँ, आटा चून और किसी तरह से पानी डाल करके बगैर नमक के टिकिया बना कर खा लेता हूँ, और 24 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलो, मैं सुनता हूँ जोर से जोर से, बोले भैया बगैर नमक के टिकिया खाना पड़ेगा। बोले जो दोगे मैं खा लूंगा। बोले तेरे तो घर में नल आ गई आती तभी तेरा पेट भरता नहीं, तब भी तू घर घर में चोरी चोरी कर खाता था। देखो मैं उठा करके नहीं चल सकता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, चलोगे मेरे साथ में? बोले तेरे साथ साथ चल पड़ूंगा। इसलिए ठाकुर जी मथुरा से चलते 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 वृंदावन ठाकुर जी आ गए। जब ठाकुर जी आ गए, अभी तो बगैर नमक के टिकिया खिलाता है, ठाकुर जी एक बार खा लिए, ठाकुर जी 2 दिन ही खा लिए, 3 दिन, उसको बाद में ठाकुर जी गला से नीचे नहीं उतर रहा। बोले बाबा सब्जी तो देता नहीं,
अरे कम से कम टिकिया में थोड़ा नमक तो दिया करो, गला से नीचे नहीं उतरता है। बोले आज बोलोगे नमक दो, फिर कल बोलोगे भैया थोड़ा सब्जी ले आओ, फिर बोलोगे ऐसे चलता नहीं थोड़ा सा दूध लाओ, फिर बोलोगे थोड़ा मक्खन लाओ, फिर बोलोगे थोड़ा राबड़ी लाओ, बोलोगे थोड़ा रसमलाई ले आओ। मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो किसी तरह से अपना पेट को भर करके भजन करता हूँ, हैं? इसलिए भैया मैं इतना कर ही नहीं सकता हूँ। अगर बढ़िया बढ़िया खाना है ना अपने खुद व्यवस्था कर दे, मैं नहीं कर सकता। देखो ठाकुर जी इनको साथ में डायरेक्ट बात करते थे, लेकिन हम लोग ठाकुर को कभी राबड़ी भोग लगाते हैं, कभी मक्खन भोग लगाते हैं, कभी शाही पनीर मटर पनीर, बढ़िया बढ़िया। ठाकुर आपसे कभी बोलते हैं? ठाकुर जी आपसे कभी बोलते हैं तुम ये थोड़ा दे दो, ये थोड़ा दे दो, ये? ठाकुर जी कभी बोलते हैं आपसे? बात करते कि नहीं ठाकुर जी? नहीं करते हैं ना। हाँ, इसलिए जब हम ठाकुर जी को प्रेम से खिलाएंगे ना, भक्ति भाव से खिलाएंगे, ठाकुर जी हमारे साथ में ठाकुर जी बात भी करेंगे। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तुम, हाँ, अगर प्रेम से ठाकुर को सेवा करोगे ना, ठाकुर हमारे साथ में डायरेक्ट, ठाकुर जी हमारे साथ में बात करेंगे। अगर प्रेम से ठाकुर जी को अगर सेवा करेंगे, बोले अपनी आप व्यवस्था कर लो, ठाकुर जी अपनी आप खाने का व्यवस्था कर लो। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि कहते, देखो भगवान कहीं भी नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है। लेकिन ऐसे जो भजन करते हैं ना, ऐसे जो भक्ति करते हैं, अभी भी ठाकुर जी उनको ऊपर में ठाकुर का कृपा होती है। देखो हमारे जो बड़े गुरुदेव थे, जानते कि नहीं, नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। देखो इनकी कथा सुनो, सेवा कुंज गए होंगे वृंदावन में। एक दिन राधा रानी सेवा कुंज को पुजारी से स्वप्न दिया, जब गुरु जी श्री वृंदावन में थे और ये ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही थी। ठाकुर जी राधा रानी स्वप्न दिया पुजारी को, बोले देखो यहाँ पर एक बहुत बड़े संत आए हैं जिनका नाम श्री नारायण गोस्वामी महाराज, वो मेरी सखी है। तुम कल सवेरे मेरे को जो भोग लगाओगे ना प्रसाद, मेरे प्रसाद लेकर के श्री नारायण गोस्वामी महाराज को दे आना। अभी राधा जी की स्वप्न पा करके वो पुजारी गुरु जी को पास में प्रसाद लेकर गया। जब आए वो प्रसाद डायरेक्ट ठाकुर जी को देना चाहते, श्री गुरु जी को देना चाहते थे, लेकिन उनका सेवक था। वो सेवक को बोले मैं गुरु जी को अपना हाथों से प्रसाद देना चाहता हूँ, बोले मुझे दे दो। बोले नहीं, कुछ विशेष बात करना है। तो उन्होंने गुरु जी से पूछे, सेवा कुंज का पुजारी प्रसाद लेकर के आया और आपको डायरेक्ट प्रसाद देना चाहता है, कुछ बात करना चाहते हैं, बोले उनको बुला लो। जब उनको बुलाया ना, तो पुजारी जी ने कहा, महाराज जी मेरे को रात को श्री राधा रानी स्वप्न दिया है, बोले ये नारायण गोस्वामी महाराज मेरी सखी है, इनको प्रसाद दे करके आना, ये राधा रानी ने आपके लिए प्रसाद भेजा। अभी गुरुदेव के पास में अगर कोई प्रसाद लेकर के आते थे ना, गुरु जी उसको जरूर कुछ प्रणाम ही देते थे। तो गुरु जी ने 1001 रुपया निकाल करके उनको प्रणाम ही दिए। उन्होंने कहा मैं सबसे प्रणाम लेता हूँ, लेकिन आपसे प्रणाम नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले मेरे को श्री राधा रानी स्वप्न दे करके आपको पास में भेजे, इसलिए आपसे मैं प्रणाम नहीं ले सकता। देखो अभी भी अगर कोई भगवान की भक्ति करे, भजन करे, अभी भी श्री राधा रानी बात करती है और राधा रानी दर्शन अभी भी देती है। बोले श्रीमती राधा रानी की, कोई जयकार टेंशन नहीं दे रहा हूँ। बोले श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि ने बताया, देखो ठाकुर जी अभी भी बात करेंगे। हरे कृष्ण, नीचे बैठिए। अभी भी ठाकुर जी बात करते हैं, अभी भी ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी अभी सब कुछ करते हैं, लेकिन किसको करेंगे? जिसके हृदय में ठाकुर जी की
प्रेम प्रकट हो जाए। बोले देखो, अगर तुम अभी भी ठाकुर जी को दर्शन करना चाहते हो, एक काम करो। बोले बताओ। बोले अभी अभी धीरे धीरे ठाकुर जी का जो लीला स्थली, ये धीरे धीरे अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। मतलब कृष्ण कहाँ पर राह सकिए, कृष्ण कहाँ मखन चुराए, कृष्ण कहाँ पर बंसुरी बजाए, कृष्ण कहाँ पर गैया चराए। अभी धीरे धीरे ये लीला स्थली धीरे 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 अप्रकाशित तो होते जा रहा है। अभी उस लीला स्थलियों को प्रकाश करो और ब्रज में भगवान की सुंदर सुंदर विग्रह को स्थापन करो, फिर तो ठाकुर जी की तुम्हारे पर में कृपा मिलेगी। फिर उन्होंने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है, इसलिए उन्होंने सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया और जितने कृष्ण लीला स्थलियों को धीरे 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 उन्होंने प्रकाशित किया। अगर ये महापुरुष नहीं आते ना, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं, कृष्ण कहाँ रास रचाए, कृष्ण कहाँ पर मखन चुराए, कहाँ पर श्री राधा रानी, कहाँ कृष्ण राधा रानी के अपना हाथों से श्रृंगार कहाँ पर करते थे, कहाँ पर कृष्ण खड़े होकर के राधा जी को साथ में दान मांगते थे, कहाँ पर कुंज गली, कहाँ पर यमुना गली, राधा रानी किधर से होते हुए यमुना में पानी भरने जाते थे, कृष्ण कहाँ उनको रास्ता में रोक लेते थे, कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, कहाँ डीग, कहाँ अडीग, कहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन। अभी जो थोड़े बहुत लीला स्थलियों को हम दर्शन कर रहे हैं, बोले किसकी कृपा है, बोले बज्रनाभ की कृपा है। अगर ये महापुरुष नहीं होते, प्रभु का लीला स्थली सब के सब अंतर ध्यान हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता कृष्ण कहाँ पर किया क्या लीला की। तो उन्होंने सारे विग्रह को उन्होंने स्थापन की। बोले एक समय जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, कृष्ण की 1,016,108 उनकी पटरानियां, वो सबके सब कृष्ण विरह में बड़ी दुखी है, लेकिन उन्होंने देखा जो यमुना वो एकदम जमुना त्रि से कलकल नाद करते करते प्रसन्न होकर के प्रवाहित हो रही है, बड़ी खुश होकर के। अभी इनकी प्रसन्नता को देख करके महिष्य ने कहा, हे कालिंदी, तुम भी कृष्ण प्रिया और हम भी कृष्ण प्रिया, लेकिन कृष्ण विरह में हम बड़े दुखी है, क्या तेरे को कृष्ण विरह का दुख नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले श्री राधा जी के आशीर्वाद से, श्री राधा रानी की आशीर्वाद से हैं? मेरे को पता कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए, अभी भी वृंदावन में श्री प्रभु की लीला हो रही है, लेकिन ये राधा जी की शरण में जाने पर तभी ये रहस्य हमें पता चलता है। बोले भैया, हम भी राधा जी की शरण में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोले, ये रहस्य को कौन बताएगा? बोले अभी भी उद्धव जी श्री गिरिराज तलहटी में एक घास रूप में वही भजन कर रहे हैं। उद्धव जी ये रहस्य को बता सकते हैं, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ही उन्होंने ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को उन्होंने सांत्वना प्रदान की थी। चलो हम सबके साथ श्री गिरिराज तलहटी में जाते हैं और श्री उद्धव जी को प्रश्न करते हैं। सारे महिषियों ने वहां पर आए और बजरना परिखित सबके सब आए और बड़े सुंदर वहां पर कीर्तन करते हैं। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरी बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी
कीर्तन का प्रभाव से वहां पर उद्धव जी घास बनकर के भजन कर रहे थे। साक्षात उद्धव जी वहां प्रकट हो गए। अभी उद्धव जी को देख करके महिषियों ने कहा, हे उद्धव, तेरे को कृष्णा ब्रज में भेज करके ये ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी। हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं। अभी तुम बताओ, अभी कृष्ण कैसे मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा, देखो, जो प्रश्न तुम लोग ने मेरे को की है, मैं भी यही प्रश्न श्री कृष्ण को किया था। कृष्ण जब ये दुनिया छोड़ करके जा रहे थे, मैंने भी यही पूछा, कृष्ण ये बताओ, अभी तो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, अभी तुम्हारी विरह को हम कैसे सहन करें, बताओ फिर तुम कब आओगे? कृष्ण ने कहा, देखो, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस जगत में मैं आता हूँ। बोले, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? बोले, 1000 चतुर्युग। 1000 जानते हो कि नहीं? 1000 चतुर्युग क्या होता है? बोले, कलिजुग का परमायु 432,000 साल और द्वापर युग का परमायु उसका 2 गुना कर दो, कितना होगा? बोलो कितना होगा? 8 लाख। कितना होगा? 8000। 8,64,000। अभी त्रेता युग को कलिजुग का 3 गुना कर दो, जितना होगा? बोले, सत्य युग को कलिजुग का 4 गुना कर दो, उसका पूरा का पूरा मिला दो। इसको एक महायुग कहते हैं। ऐसे 71 महायुग में एक मन्वंतर होता है, और ऐसे जब 14 मन्व बदल जाए, फिर तो ब्रह्मा का एक दिन मतलब है कितने लाख साल जब बीत जाएगी। कृष्ण कहते, तब भी ये मरते जगत में एक बार मैं आऊंगा, हर कलिजुग में मैं नहीं आता हूँ। हर कलिजुग में ठाकुर जी कोई दूसरा अवतार आते हैं। देखो, ध्यान देकर सुनो, ये कलिजुग में ना कोई जन्म लेना नहीं चाहता है। क्यों? इसका युग का नाम कली। कली मतलब क्या? लड़ाई। देखना, घर घर में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मन में लड़ाई,
ऑफिस में जाओ लड़ाई, किसी काम के लिए जाओ लड़ाई, सब जगह में लड़ाई। इसलिए बोले प्राप्त कलिजुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता। जब ये कलिजुग आएगा लोग पुण्य पुण्य कुछ भी नहीं करेंगे। दुराचार रता सर्वे, जितने जीव सब दुराचारी हो जाएंगे। सत्य वार्ता परान मुख, कोई सच नहीं बोलेंगे, सबके सब झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे। इज्जत नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगी। सबके सब अपना शरीर को बेच करके बिजनेस करेंगे। मतलब कलिजुग का जो वर्ण आया ना, अभी तो थोड़ी सी चैतन्य महाप्रभु आए थे ना, अभी थोड़ी सी कली का प्रभाव रखा है, लेकिन धीरे 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 बढ़ेगा ना, धीरे धीरे जितने ये कलिजुग और बढ़ते जाएगा उतना ही अशांति, झगड़ा, मार पीट, लड़ाई उतना होते जाएगा जगत में। कोई बेटा पिता माता की बात नहीं सुनेंगे जगत में, कोई किसकी सेवा नहीं करेगा, बड़ी अनहोनी होने वाले ही ये कलिजुग में। इसलिए जितना जल्दी होना ठाकुर का भजन करो और ये दुनिया से चले जाओ। फिर अगर दो बार जन्म लेकर के आओगे ना, देखोगे इतनी खराब हो जाएगी दुनिया, बड़ी बुरी हो जाएगी है। लेकिन अभी जो कलिजुग, कभी जो कलिजुग में, कभी ये कलिजुग कोई साधारण कलिजुग नहीं, ये कलिजुग को धन्य कलिजुग बताया। बोले क्यों? बोले हर कलिजुग में श्री महाप्रभु नहीं आते, कभी इसी कलिजुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसी कलिजुग में। और ये कलिजुग की इतने महिमा है, कद सत्य युग का लोग हैं, बोले उनको कृत्य युग कहते हैं, पुजारी जी धरा जा। बोले सत्य युग को कृत्य युग कहते हैं। बोले कलिजुग में, सत्य युग में धर्म का चार चरण था, सबके सब धर्म कर्म करते थे। त्रेता युग में राम राज्य कहते हैं, राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, सबके सब प्रसन्न। वहां पर कोई पशु पक्षी की बात भी ठाकुर जी समझते थे, उनकी बात में ठाकुर समझते थे, पशु पक्षी भी सुख में रहते थे। और द्वापर युग आया तो कृष्ण आए, धर्म चार चरण में धर्म की निवास था। इसलिए चार चरण में धर्म था, लेकिन कहते सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग कहते ये कलिजुग में हमें जन्म दो। बोले क्यों? ये कलिजुग तो पाप का युग है। बोले ये जो कलिजुग आए ना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलिजुग में आए, इसलिए ये कलिजुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा शिव नारद जिस जिन प्रेम को प्रार्थना करते हैं, वो जो कठोर तपस्या करते हैं, जो प्रेम को पाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कलिजुग में वो प्रेम का आसानी से सबको प्रदान करेंगे। बोले कलिजुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल चार नियम का पालन करो और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोलो जोर करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस थोड़ी सी ठाकुर का नाम करो बेटा पार। इसलिए ये कलिजुग को धन्य कलिजुग, ये कलिजुग को बताया गया है। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की जय। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की। इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं, मैंने भी यही प्रश्न कृष्ण को की थी, लेकिन कृष्ण ने कहा मेरे को एक अच्छी बात बताई। बोले देखो उद्धव जी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कलिजुग में एक स्वरूप में रह भी रहा। बोले किस स्वरूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भागवत रूप में कलिजुग में जगत में मैं रहूंगा। इसलिए भागवत में 12 खंड है, ये 12 स्कंध है। प्रथम द्वितीय स्कंध ठाकुर जी के 2 चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर का 2 उरु, पंचम स्कंद ठाकुर की नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंद ठाकुर का 2 हाथ है, नवम अष्टम स्कंद बोले भगवान की बख्य स्थल, नवम स्कंद ठाकुर जी की कंठ, दसम स्कंद ठाकुर जी की मुखार बिंद, एकादश स्कंद ठाकुर की ललाट और द्वादश स्कंद ठाकुर का सर।
मतलब ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये कृष्ण ही कलियुग में मतलब तेन अयंग बांग मई कृति भगवान शब्द ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में आई। जो कलियुग में ये भागवत कथा श्रवण करेगा, कभी ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो ये कथा सुन रहे हैं वो साक्षात रूप में मेरे साथ में मिल रहे हैं, मेरे साथ में वो मिल रहे हैं। आप कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर जी को साक्षात रूप में दर्शन कर रहे हो। बोले श्रीमद् भागवत कथा जब उन्होंने ये बात बताई तब श्री महिषियां कहती हैं, फिर श्री उद्धव जी फिर कृपा करके हमें ये कथा सुना। बोले ठीक है कथा सुना दूंगा, यहाँ बैठ ही जाओ। इसलिए कहते सबसे पहले ये कथा कहाँ पर हुई है, ये कथा सबसे पहले गिरिराज तलहटी में हुई है। बोले कौन, बोले उद्धव जी। बोले श्रोता कौन, बोले कृष्ण के 16108 पटरानिया बैठ करके वहीं पर श्री मत भागवत कथा को श्रवण किया। जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनाते सुनाते जब भागवत का विश्राम हो गया, इतने में ये भागवत ग्रंथ से स्वयं श्री जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण अपना परिकरों को साथ में ठाकुर जी वहां पर प्रकट होते हैं। प्रकट होने पर महिषियों ने फिर उन्होंने कृष्ण को साथ मिलन की। अब मिलन करके इनके हृदय में जो कृष्ण विरह था, ये कृष्ण विरह इनके हृदय से दूर हो गया। देखो इसका मतलब है, आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे ना। कल हम सुन रहे थे भक्ति की 2 बेटे हैं, कौन कौन है, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जब चतुसन ने ये भागवत कथा सुनाए, ये ज्ञान वैराग्य इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न होकर के हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर दिए। जब 7 दिन तक आप कथा सुनोगे ना, हमारे हृदय में भी ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं। कुछ कुछ गुरुदेव से हरिनाम लिए, किसी हरिनाम लिया, अभी तो हरिनाम कहीं लटक रहा है। लेकिन 7 दिन जब कथा होगी ना, सब माला सब निकालना शुरू करेंगे। कोई तिलक लगा रहा है, कोई तिलक नहीं लगा रहे। लेकिन 7 दिन में जब तिलक की महिमा सुनकर फिर सारे के सारे तिलक लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते साल में मैं 3 बार चार्ज करता हूँ इनको। पहले घड़ी होता था ना, वो घड़ी को चाबी देना पड़ता था। जब चाबी दो तब 24 घंटा चलेगी, फिर दूसरे दिन फिर चाबी देना पड़ता है। ये जो कथा है एक तरह का चाबी देना है। जैसे गमला में कोई पौधा लगाए, अगर पानी नहीं दोगे तो कब तक जिंदा रहेगा। एक दिन भी पानी नहीं दोगे ना, वो पेड़ मुरझा जाती है। उसी तरह जो साधु संग हरि कथा, ये हमें भक्ति रूपी लता में ये पानी देने का काम करता है। इसलिए जब ये श्रीमद् भागवत कथा सुने, साक्षात भगवान को साथ में साक्षात इनके दर्शन हुई और हृदय से कृष्ण विरह, इनकी हृदय से दूर हुई कृष्ण विरह। तब श्री उद्धव जी वहां पर कहते हैं, बोले देखो ये जो श्रोता है ना, 2 तरह के श्रोता है, एक उत्तम श्रोता और एक कनिष्ठ श्रोता। और जो उत्तम श्रोता श्रेष्ठ श्रोता वो 4 तरह के। कितने तरह के, 4। कल मैंने बताया था, किसको याद है बोलो तो, 4 में एक कोई बोलो, कौन बोलेगा, हाथ उठा। हाँ बोलो, हाँ देखो बाबा ने कथा सुनाई, देखो सुनो इधर ध्यान देकर सुनो। देखो ये जो कथा आप सुन रहे हो, हम चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी था, ध्यान देकर सुनो। महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी के लोग गली गलियों में शहर शहर में मेरे नाम गूंज उठेगी, सब लोग प्रसन्न होकर के हरि कीर्तन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे प्रसन्न होकर के। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी, सर्वत्र भगवान के नाम प्रचार होगी। इसलिए आप लोग जो कथा सुन रहे हो, ऐसे नहीं कथा भी खत्म और हम भी खत्म हो जाए, यहाँ से कथा को लेकर के जाना, ठीक है ना। अच्छे तरह से सुन करके लेकर कथा लेकर सुन करके जाओ, अपना पति को सुनाओ, बच्चे को सुनाओ, ठीक है ना, बच्चे को सुनाओ, अपना पति को सुनाओ, घर में बड़े बूढ़ों को कथा सुनाओ। हमने कथा सुनने के लिए गई थी, ये कथा सुनी, इसलिए कम से कम एक एक माला जप करो सबके सब,
भगवान की माला जप कर, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो दुनियादारी की बात मत करो, भगवान की चर्चा करो, ठाकुर की चर्चा करो, ठीक है ना। इसलिए एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गए, देखा तीन मूर्ति वहां पर बराबर की। पूछे भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है? बोले पहला नंबर मूर्ति का कीमत है 100 रुपया। बोले दूसरे वाले? बोले 500। बोले तीसरे वाले 5000। बोले क्यों? ये तीनों मूर्ति तो बराबर है, ये तीनों मूर्ति तो बराबर है, इतना फर्क क्यों? बोले 3 गिलास पानी लाओ, अभी मैं फर्क समझाता हूँ। जिसका कीमत था 100 रुपया, उसको कानों में वो पानी डाला ना, जिधर डाला उधर निकल कर आ गया। बोले इसका कीमत है 100 रुपया। बोले क्यों? बोले जिधर सुनता उधर निकाल देता है। बोले दूसरा मूर्ति, उसको कानों में डाले, इधर डाले तो दूसरे तरफ में निकल करके आ गए। बोले इसका कीमत 500 रुपया। बोले मतलब क्या? ये कथा तो सुनता है लेकिन एक कान में सुनकर दूसरे कान में निकाल देता है। बोले तीसरा मूर्ति का कीमत? बोले 5000। जब उसको कान में पानी डाला ना, एक बूंद भी बाहर नहीं आया, वो पूरा के पूरा अंदर में चला गया। बोले ये जो कथा सुनता है, एक बूंद निकलता नहीं, पूरा के पूरा ये अंदर में ले जाता है, इसलिए इसका कीमत 5000 रुपया। अब बताओ आप लोग कितने कितने कीमत की मूर्ति हो आप लोग? 5000। 100 नहीं 5 नहीं, ठीक है ना। 5000 की श्रोता होनी चाहिए, जो कथा सुने उसको यहाँ से लेकर के जाओ। देखना संसार में जब झगड़ा होता है ना, 10-10, 20-20 साल की बात को याद करते, तुमने हमने ऐसे बताया था, जब तुमने गंदी बात को सारा की याद कर लेते हो, फिर ठाकुर की बात क्यों याद नहीं करें? जिसको याद करने से हमारा भी कल्याण है, दूसरों को भी कल्याण है, ठीक है ना। अच्छे तरह से मन देकर कथा सुनना, और सुन करके इस कथा को लेकर घर में सुनाना, और अपना अड़ोसी पड़ोसी को सुनाना। अपना चैतन्य महाप्रभु कहते थे, अपना घर को ही वृंदावन का धाम बनाओ, घर घर में हरि चर्चा हो, घर घर में हरि चर्चा हो, घर में भगवान की चर्चा हो। जिस घर में हरि कीर्तन हरि चर्चा, वो घर घर नहीं, वो भगवान का धाम है, ठाकुर जी की वो धाम बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए श्रोता, पहला नंबर श्रोता का नाम क्या था? क्या बोला है? हंस। हंस क्यों? उसको दूध दो, दूध दूध तो ले लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। दूसरा नंबर कौन बोलेगा? बोलो बोलो क्या? मधुमक्खी। देखो बच्चों ने याद किया, अच्छी बात। मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी हर फूलों के ऊपर बैठ करके वो मधु शहद का ग्रहण कर लेते हैं, भले कांटा वृक्ष में कहीं फूल क्यों नहीं हो, देखना वहां पर भी बैठ जाएगा। इसलिए एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी गंदी चीज में बैठती है और मधुमक्खी फूलों की फूलों के ऊपर बैठ करके उसकी शहद को ग्रहण करता है। तीसरा नंबर कौन बोलेगा? मछली। देखो बच्चे लोग याद किया है, मछली। मछली क्यों बताए? बोले मछली का जो आंखों का जो पलक कभी झपती नहीं, एकदम टकटक लगाकर आंख खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? आंख खोल करके कथा सुननी चाहिए, मतलब क्या? आंख की झपकी नहीं लगे, भागवत की एक कथा चूक नहीं जाए, पूरा के पूरा अंदर में ले जाए। और चौथा नंबर चातक। हाँ चातक है। बोले चातक, ये चातक की एक महिमा है, हैं? कहते कोई एक चातक, गंगा नदी बह रही थी, उसको किनारा में कोई वृक्ष ऊपर में ये चातक बैठा हुआ था। ये चातक कभी किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं, तो किसी कुएं का पानी नहीं पिएगा, वो तब भी पानी पिएगा जो बरसात हो, और स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। कहां पर बैठा हुआ? वृक्ष के ऊपर में, गंगा किनारा में। इतने में एक बहेलिया ने वो चातक को अपना बाण मारे, बाण मारते ही वो गिरा कहां पर? गंगा पानी के ऊपर में, लेकिन एक गिरते ही अपना मुंह बंद कर दिया। वो गंगा पानी पवित्र होने पर भी वो गंगा पानी मुंह में नहीं चली जाए, पीऊंगा तो केवल स्वाधी नक्षत्र का पानी पीऊंगा, मतलब क्या? कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की ही कथा सुनेंगे, ये दुनियादारी की कोई बात हम नहीं सुनेंगे, चातक होनी चाहिए। कहते चार तरह का साधारण श्रोता है, बोलो क्या? कौन बोल सकता है? बोलो
वो तो हो गया, ये अच्छे श्रोता हो गए। और साधारण जो श्रोता है, जो श्रोता सही श्रोता नहीं है, वो भी चार तरह के। किसको याद है किसको याद नहीं, सब भूल गए। हाँ, पहला नंबर भुरुंड है। ये भुरुंड एक चिड़िया हिमालय पर्वत में रहता है, ये सुन भी लेगा और सुना हुआ बात को सुना भी देगा, लेकिन करते समय वो उल्टा करेगा, सुनेगा सुना देगा लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर को उतारेगा नहीं, कहते भुरुंड। दूसरा नंबर बैल, कहते बैल। देखो ये बच्चे ने सब याद किया है, कहते बैल को अब भूसा दे दो, नहीं तो बढ़िया बढ़िया कोई घास दो, नहीं तो बढ़िया बढ़िया फल दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं मानता है, दोनों को बराबर मानता, मतलब ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कथा हो, सब कथा को जो बराबर मानता है। तीसरा नंबर ऊंट, बोलो ऊंट। ऊंट है, बोलो नहीं, ऊंट है। ऊंट को कोई सुंदर सुंदर बड़ी सुंदर सुंदर कोई पता दो, वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा कांटा के पेड़ कहाँ पर, बबुल के पेड़ कहाँ पर है। मतलब जो कृष्ण कथा में जिनकी रुचि नहीं, जिनकी रुचि दुनियादारी बात में, जिनकी बड़ी रुचि है भगवान की कथा में, भजन में जिसकी रुचि नहीं। चौथा नंबर कौन है, बोलो बोलो। हाँ, भेड़िया। ये छोटा जाति की बाघ होता है, वो जब हिरण कोई सुंदर शब्द सुन करके जब मुग्ध हो जाता है, ठीक उसी समय में उसको ऊपर वो आक्रमण करेगा। वो मतलब क्या, बोले मतलब है कुछ ऐसे श्रोता है जो कथा स्वयं नहीं सुनते हैं, लेकिन जो पास में जो बैठने वाले व्यक्ति को भी कथा सुनने नहीं देते, बिना बात के बात करते रहते आपस में बैठ बैठ करके। इसलिए कल मैंने कहा था जिनको कथा सुननी है, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, वहां से थोड़ी सी अलग हट करके बैठो, नहीं तो दुनिया की बात करने लग जाओगे कथा में बैठ करके। ये जो भागवत कथा नहीं, बोले निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये भागवत सख्यात कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वही देगा। अगर दुनियादारी की बात करोगे ना, फिर तो प्रभु का प्रेम नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगा, फिर उल्टा पुल्टा चीज भागवत देख करके तुम्हें वंचित कर देगा। इसलिए कथा सुनते समय जिसको जानते हो उसको थोड़ी सी हट करके कथा में बैठो, फिर कथा के रस को हम ग्रहण कर सकते हैं। और श्रोता चार ही तरह के, बताओ तो चार तरह के कौन, कथा चार तरह के बताओ, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। ये कथा चार तरह के हैं। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुने, लेकिन उसको बाद में कथा बता से कोई मतलब नहीं। बोले राजस्व की कथा किसको कहते हैं, बड़े ठाड़ बाड़ से कथा को आयोजन करवाया, दुनिया को बुलाए कथा होगी सुनने के लिए आओ कथा होगी, लेकिन स्वयं कथा को नहीं सुन पाए, इधर उधर काम में बिजी रह गए, कहते ये राजसिक। बोले तामसिक किसको कहते हैं, जैसे ये 7 दिन कथा होगी, कभी इच्छा हो गई बैठ गए, कभी इच्छा हो गया खड़े हो गए, मन नहीं लगा एक चक्कर घूम घाम करके आए हैं, किसी तरह से 7 दिन को बिता देना, कभी सुन करके कभी नहीं सुन करके, कभी आधा में आए कभी लास्ट में आए हैं, इसको कहते हैं तामसी कथा। बोले सही कथा किसको कहते हैं, जिसने अपना जीवन को ही कथा बना दिया, घर में रोज नियम करके टाइम से उठे, ऐसे नहीं टीवी देखते रहे 1-2 बजे तक और किसी तरह से सो गए, सवेरे 9-10 बजे उठे और मुंह हाथ को धोया खाना खाया अभी चले गए, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, एकदम टाइम से सो जाए और सवेरे उठे। इसलिए स्नान 4 तरह का बताया, कितना तरह का स्नान है बोलो, कितने तरह का स्नान, चार। पहला नंबर ऋषि स्नान, दूसरा नंबर देव स्नान, तीसरा नंबर नर स्नान और चौथा नंबर राक्षस स्नान। हाँ देखो सुन लो, ये 4 स्नान क्या क्या है। पहला नंबर ऋषि स्नान, ऋषि स्नान किसको कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले जो स्नान कर लेते हैं ऋषि लोग, उसी समय उठ करके स्नान करते हैं, इसको ऋषि स्नान कहते हैं। और उसी समय जो स्नान करता है
स्नान करते ही देखना शरीर से सारी गंदी चीज निकल जाती है, बीमारी अपने आप शरीर से निकल जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, फिर एक मन से बैठ करके प्रभु की भजन कर सकते हैं, इसको ऋषि स्नान कहते हैं। क्या दूसरा नंबर देव स्नान, बोले देवता कब स्नान करते हैं, बोले सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेते हैं, इसको देव स्नान कहते हैं। बोले नर स्नान किसको कहते हैं, ठीक जिस समय सूर्य उदय हो उसी समय में जो स्नान कर ले। बोले राक्षस स्नान किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय को बाद में जो स्नान करते हैं। अभी आप लोग देख लो कौन सा स्नान आप लोग करते हो, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, उठ करके नहा धो करके सबसे पहले तिलक लगाओ। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्या करना, तिलक लगाना। देखना घर में जब पुजारी पूजा करने के लिए आता है, जब तक आपको तिलक नहीं लगाएगा तब तक आपको पूजा नहीं करवाएगा। क्यों, तिलक के बगैर जितने शुभ काम करते हो निष्फल है। इसलिए पुजारी पूजा करने से पहले सबसे पहले वो आपको तिलक लगाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति तिलक नहीं लगाते हैं, ठाकुर को सेवा पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनको सारे पूजा निष्फल हो जाता है, उसको फल नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले वैष्णव का कर्तव्य है पहले तिलक लगाओ। तिलक इसे फोटा नहीं, तिलक ऊर्ध्व पुंड्र होनी चाहिए। ऐसे तिलक क्यों, इसका नाम ऊर्ध्व पुंड्र, जो हमें भगवान तक ले जाए। इसलिए आप नारायण को देखो, कृष्ण को देखो, राम को देखो, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, तिलक कैसे देखना, फोटा नहीं, फोटा लगाओगे तो घूमते रहोगे संसार दुनिया में, घूमते रहोगे फोटा लगाओगे तो। अगर ऊर्ध्व पुंड्र लगाओगे तो ठाकुर को पास में जाओगे, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तिलक लगाना, फिर ठाकुर जी को जो गुरु जी के मंत्र, पहले गुरु जी मंत्र जप करो, ठाकुर जी का आरती उतारो, तुलसी परिक्रमा करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो माला जप करते हो माला थोड़ी सी जप करो, फिर अपना भगवान की जो सेवा पूजा, अपना घर का काम, फिर दिन भर अपना घर का काम करते रहो। घर नहीं, भक्त लोगों का घर तो भगवान का धाम है। जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति हो वो घर नहीं, वो भगवान का धाम ही वो धाम है, ठीक है ना। इसलिए कहते रोज नियम करके क्या करनी चाहिए, नियम करके रोज गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, कोई सद ग्रंथों को नियमित करके घर में पठन पाठन करनी चाहिए। इसलिए घर में, जिस घर में भागवत भी एक श्लोक भी पाठ होना, उसी घर में जुगल सरकार का नित्य निवास हो पाए। ठाकुर जी घर में नित्य निवास करते हैं, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हर एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे ग्रंथ पढ़ने का कितना महत्व। देखो आपको एक सही घटना बोलता हूँ, ध्यान देकर सुनो, ये अमेरिका की बात है, ध्यान देकर सुनो सबके साथ। अभी जैसे गीता जयंती अभी कुछ दिन पहले, एक एकादशी से पहले जो एकादशी आई थी उसमें था गीता जयंती, मतलब कृष्ण अर्जुन को ये गीता सुनाए थे महाभारत में। एक समय अमेरिका में एक व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में वो आ गया, सोचा मैं आत्महत्या कर दूंगा। वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और ये गीता जयंती में अमेरिका में कुछ भक्त लोग ये गीता को बांट रहे थे, गीता बेच रहे थे। एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, एक अंग्रेजी अमेरिका में, देखा 8-10 लोग भक्त लाइन करके खड़े खड़े हुए वो गीता जयंती में गीता देने के लिए। वो जो प्लेन से उतरा, बोले भैया गीता लो, बोले वो क्रिश्चियन था, वो क्या गीता की महत्व जानते, बोले बेकार, इसे बेकार चीज है। लेकिन और थोड़ी दूर गया और एक भक्त भी खड़ा हुआ, बोले भाई गीता ले, बोले बेकार। उसने देखा भाई 8-10 लोग तो लाइन करके खड़े हुए, अब किसको मैं नेगलेक्ट करूं। सोचा $2-4 दे करके गीता ले लेता। उसने एक गीता खरीद करके उसने क्या किया,
अपना जो ड्र था ना ड्रम रख दिया, ये तो कोई काम की है नहीं, बेकार बेकार चीज ड्रम रख दिया। देखो वो इतने डिप्रेशन में आ गया, सोचा मैं आत्महत्या कर दूंगा। वो बैठा हुआ आत्महत्या करने के लिए, और जिस ड्रा में वो गीता था ना उसमें था उसका बंदूक, उसमें ड्रा को खोला, इतने में जब बंदूक को पकड़ने के लिए गया, इतने में उसको हाथ में आ गया भगवत गीता। वो मरने तो जा रहा ना, जब गीता आ गया बोले भैया थोड़ा गीता खोल कर देख लेता हूँ गीता में क्या चीज। जब उसने गीता को उसने खोला, उसमें पहला जो श्लोक में था भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बोले हे अर्जुन ये शरीर एक कपड़ा है, पांच सास जिरनानी जथा बिहाय, जैसे एक कपड़ा पुराना होने पर हम उसको छोड़ करके एक नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ये जो आत्मा है न जायते न मृियते, जो नित्य शाश्वत ये आत्मा है, ये आत्मा कभी मरती नहीं, आग में जलती नहीं, पानी में भीगती नहीं, ये शाश्वत श्री आत्मा है, इसलिए हम शरीर नहीं हम आत्मा है। बोले हे अर्जुन अगर तू जीवन में शांति पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो मेरे शरण में आ, मेरे शरण में ही तुम्हें शांति और सुख मिलेगा। लेकिन ये शरीर को केवल अगर तुम उदाहरण दिया जैसे एक पिंजरा है, उसको अंदर में एक तोता है, अगर तोते को खाना मत खिलाओ, केवल पिंजरा को कलर करते रहो, बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? दिन भर पिंजरा को दिन भर कलर करते रहो, लेकिन अंदर में जो तोता उसको स्नान मत कराओ, उसको खाना मत खिलाओ, क्या तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? क्या उसी तरह इस शरीर एक पिंजरा है, लेकिन इसको अंदर में जो एक तोता बैठा हुआ वो आत्मा, अगर उसको खाना मत खिलाओ, केवल दिन भर ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, बढ़िया करके सजाओ, रोज शाही पनीर रोज खाओ, हैं रोज रोज शरीर को बढ़िया बढ़िया कपड़ा खिलाओ पहनाओ, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा हुआ उसको अगर नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? तो दो दिन बाद में तोता तो मर जाएगी, तोता मर जाएगी। हम भी यही काम करते हैं, केवल शरीर को खिलाओ पिलाओ, लेकिन असली जो खाना देनी चाहिए तोते को वो खाना नहीं देते हैं। तोता का खाना क्या है? बोले भगवान की भक्ति, ठाकुर जी का नाम। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए कृष्ण बोले हे अर्जुन अगर ये दिन भर अगर शरीर को ही खिलाओ पिलाओ, क्योंकि शरीर अनित्य है, एक दिन ये शरीर नाशवान, एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम तो आनंद ढूंढते हैं लेकिन आनंद मिलता नहीं। बोले क्यों नहीं मिलता है आनंद? लेकिन हम सोचते हैं शायद आनंद मिलेगा इस दुनिया में, इसी दुनिया में शायद हमें आनंद मिलेगा। बोले भैया जो वस्तु नश्वर वस्तु है वो शाश्वत वस्तु कैसे दे सकता है? ये शरीर को प्रेम करने से, ये दुनिया को प्रेम करने से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बोले भैया इस जगत में प्रेम कहाँ से शुरू होता है? बोले आई लव यू, यहीं से शुरू होता है प्रेम। कुछ दिन बाद में आई लीव यू, कुछ दिन बाद में आई किल यू, फिर जाकर के रोज कोर्ट में नंबर काटते हैं। सोचते हैं शायद इसी शरीर से ही, ये शरीर से ही शायद हमें आनंद मिलेगी। भैया ये टाटी पेशाब खून पी का थली, ये शरीर और कुछ है ही नहीं। ये शरीर को जितने भोग दिलाओ, दो दिन बाद में कहते ना पत्नी पहले कैसे लगती है? बोले सूरज लगती है चंद्रमुखी। बोले एक चंद्रमा आकाश में और एक चंद्रमा हमारे पास में। कुछ दिन बाद में फिर क्या लगती है? सूरजमुखी, फिर तो ज्वालामुखी, फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा, एक बोले दो, दो बोले तीन। इसलिए बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये दुनिया में है हम सोचते हैं पैसा कमाने पर शांति मिलेगा। देखो रावण का सोने की लंका थी, शायद किसी अच्छी छोरी से शादी करेगा तो शांति मिलेगी। रावण पत्नी का नाम थी मंदोदरी, मंदोदरी का मतलब जानते हैं क्या? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत पतली थी, वो विश्वकर्मा की बेटी। उसी समय
म्यूस इनवर्स कहते हैं ना, विश्व सुंदरी थी, उसकी बराबर कोई सुंदरी नहीं थी। जहां से उसको मिला सुंदरी से सुंदरी, गंधर्वी स्वर्ग लोक में तप लोक में वो पकड़ पकड़ करके अपना बीवी बना कर रखा था। बेटा कैसे था, मेघनाद जैसे, रामायण देखे कि नहीं, पिता के लिए जो प्राण देने के लिए तैयारी होता है, हैं? उसको पता है ये लक्ष्मण साधारण नहीं। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, उन्होंने पाशुपत अस्त्र सुदर्शन चक्र को प्रकट किया, लक्ष्मण को परिक्रमा करते हुए चला गया, वो समझ गया ये नर नहीं ये नारायण है। लेकिन पिताजी की सेवा के लिए उसने प्राण को दे दिया। उसने ऐसे आज्ञाकारी बेटा था, इतने आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन इतने ऐश्वर्य जब भी उसको शांति नहीं मिली, इतने सुंदरी सुंदरी रानियों को साथ में सुख नहीं मिला, तभी सीता को फिर उठा कर ले गया। कितना 125,000 नाती, पता नहीं कितने उसको बेटा है। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन, ये दुनिया के विश्व ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य अगर किसको दे दो ना, ये चीज कभी शांति सुख नहीं दे सकता है, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आ गए। जब तक तुम, वो व्यक्ति सुइसाइड करने के लिए जा रहा था, वो सुइसाइड क्या करेगा, वो जो गीता को खोला ना, वो रात भर उसने गीता को पढ़ते रहा और उसने सुइसाइड करना छोड़ दिए। देखा भैया ये ग्रंथ आया कहां से, ग्रंथ आया कहां से, वो ग्रंथ का एड्रेस लिखा हुआ था। अभी ढूंढते ढूंढते भक्तों को पास में गया अफ्रीका में, देखा वहां पर कुछ साधु लोग है, जाकर के उसने प्रश्न किया, बोले ये गीता में तो सुइसाइड करने जा रहा था और ये गीता को तो मैंने बेकार मानकर ड्रम रख दिया था, लेकिन इसमें जो ज्ञान की बात मेरे को मिली, ये सुइसाइड करना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं सोचता था ये दुनिया वस्तु से चार शांति मिलेगी, लेकिन इसमें लिखा हुआ ये जीवात्मा जब तक परमात्मा की शरण में नहीं जाए, भले ही दुनिया की जो कुछ कर दे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, हरि से विमुख होकर के पृथ्वी में अभी तक इसको सुख शांति मिले ही नहीं। वो व्यक्ति उतना शांति सुख में जो जितना ठाकुर की शरण में है। ये संसार में जिसको जितने मोह है वो उतना ही दुखी दुखी संसार में। इसलिए आप बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। उनने कुछ प्रश्न किया, उसका सही सही उत्तर मिला, फिर उसने सब छोड़ करके ना साधु बन गया। अभी वो व्यक्ति है, अभी संपूर्ण पृथ्वी में वो अंग्रेजी है, अमेरिका की वो अंग्रेजी है, अभी संपूर्ण पृथ्वी में संन्यास उसने लिया है, संपूर्ण पृथ्वी में अभी गीता प्रचार कर रहा है, वो क्रिश्चियन होकर के ये संपूर्ण पृथ्वी में गीता को प्रचार कर रहे हैं। कहते मैं स्वयं मरने जा रहा था, लेकिन एक बार ये गीता मेरी हाथ में पड़ा तो मेरा मृत्यु ही खत्म हो गया, मेरे को दिव्य जन्म प्राप्त हुई, ठीक है ना। इसलिए रोज रोज क्या करनी, रोज रोज घर में गीता रामायण हो भागवत हो, कोई शुद्ध ग्रंथ को घर में रोज रोज थोड़ा पढ़ा करो सवेरे, और खुद पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ। देखो एक समय मेरे हमारे जो बड़े गुरुजी थे ना, एक दिन किसी एक व्यक्ति ने आया, बोले गुरुजी बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, ध्यान देकर सुनो, बोले बेटा मेरा बात नहीं सुनता है। हमारे बड़े गुरुजी बताए, बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चे को पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा और पढ़ाएगा नहीं उसको यही दंड मिलेगा, क्योंकि अगर रामायण पढ़ाते ना उसमें लिखा हुआ प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर जी सवेरे उठकर क्या करते थे, पहले पिता माता के चरण छूते थे, गुरु जी के चरण छूते थे। अब रामायण देखे, कौन कौन रामायण देखे हो, सब देखे हो, देखना जब दशरथ महाराज विश्राम करते हैं, स्वयं भगवान राम दशरथ महाराज की चरण की सेवा करते हैं, चरण की सेवा करते हैं। बोले रामायण तो पढ़ा ही नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं, और स्मार्टफोन पकड़ा दिया, 10-10, 20-20 हजार दिन भर गेम खेलते रहे, हैं उल्टा पुल्टा चीज देखते रहे, पकड़ा दिया 10-20, जिसमें बच्चा बिगड़ सकता है, सर्वनाश हो सकता है, वो स्मार्टफोन तुमने बच्चे को पकड़वाया। बच्चे को कभी बोले बेटा गीता पढ़ो थोड़ा रामायण पढ़ो, अगर हो ना ऊपर कहीं लटका कर रख दिया, कोई मतलब नहीं। फिर टीवी घर में, टीवी खोल दिया घर में, दिन भर उल्टा पुल्टा चीज को जो कुछ देखना देख लो, हैं उल्टा पुल्टा चीज को, फिर तुम बच्चा तुमका कहाँ सेवा करेगा, बच्चा तुम्हारी बात कहाँ सुनेगी, वो बच्चा कभी इस बात सुनेगी नहीं, ठीक है ना। क्या करनी चाहिए, गीता पढ़ो रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो, बच्चों को
जब स्मार्टफोन पकड़ा सकते हैं, क्या बच्चे को जब जोर जबरदस्ती स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे को क्या नहीं बोल सकते, बेटा तू एक माला करके जा, 5 मिनट ठाकुर के लिए दिया करो, ठीक है ना। घर में ये नियम बनाओ, जब तक बेटा एक माला जप नहीं करेगा, भैया बोलनी चाहिए तेरे को खाना नहीं मिलेगा, पहले एक माला जप करो हैं, फिर तुम खाना खा कर भोजन करके फिर अपना पढ़ाई करने के लिए जाओ, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो फिर इसके आगे कथा सुनेंगे, ठीक है। प्रभु जी भजन बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दस रत अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय नाम जो है बहुत टेढ़ा है, 3 बार जीव को पलटना पड़ता है तभी कृष्ण बोला जाता है, लेकिन राम तो बहुत सीधा है। आप लोग कोई कोई बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे, इसलिए तो मैं सीधा। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं बजा रहे, मन कंट्रोल है कि नहीं, मन मुझे लग रहा है कथा में नहीं है। अच्छा, जितने सास बैठे हैं उनका मन तो यूं हो रहा है कि घर में कहीं बहू मलाई उठा के तो नहीं खा रही है, इसलिए ताली नहीं बज रही। अच्छा, आजकल लोग देखो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो मन कंट्रोल नहीं होता है, जूते को ऐसे जगह पर रखते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं जो कि जूते भी दिखे और भगवान भी दिखे, फिर मंदिर में जाके स्तुति कैसे करता है देखो। कि तमेव माता शपिता तमेव, यानी कि भगवान के सामने जाकर के मन कंट्रोल नहीं है। माता कौन हुए? भगवान। और पिता कौन हुए? जूते। एक बार देखो, तमेव माता शपिता तमेव, यानी कि मन कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ मन कंट्रोल की अति आवश्यक जरूरी है, इसलिए सभी लोग ताली बजाएंगे। राम सिया राम सिया राम, सभी लोग ताली बजाएं। आप बताइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे?
जाए। देखो कोई कोई हाथ नहीं उठा रहे, पता नहीं वृंदावन में क्या बला है, कहीं वहां का पकड़ नहीं लेंगे। अरे पकड़ लेते हैं, जो ज्यादा प्रेम करते हैं उनको पकड़ लेते हैं, फिर वृंदावन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए कौन कौन जाएंगे वृंदावन, आप देखो सभी लोग हाथ उठा रहे कि बारह भूला कुछ नहीं है, वहां भगवान का नहीं है टेढ़े टांग वाला। तो देखिए वृंदावन की महिमा की, ब्रज जो राशी को उसमें चार धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी नम बरसाना की, ब्रज समुद्र मथुरा वृंदावन मकर, अरे ब्रज बनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद्र, अरे गोपी ओपी जगत में जिनकी उल्टी रीत, अरे दिन के पग बंदन करो और करी कृष्ण से प्रेम। तो कृष्ण से जो प्रेम करते हैं वो कृष्ण के लिए दीवाना हो जाता है। तो आइए सभी लोग वृंदावन चलेंगे। वृंदावन कैसे जाते हैं, गोवर्धन किस किस ने किया है, कोई कोई किया है कौन? वाह, यहाँ सब प्योर भक्त है, प्योर डिवोटीज, यानी कि सभी लोग गए हैं गोवर्धन। तो गोवर्धन जब जाते हैं देखेंगे कि नाचते भय कूदते भय सब परिक्रमा करते भय चलते हैं। तो आइए सभी लोग वृंदावन चलेंगे, हम लोग भी नाचते कूदते भय आइए। अरे वृंदावन Yeah.
कि इस जन्म में जो कीर्तन में नहीं नाचेगा वो अगले जन्म में पीर बनेगा, बताया था कि नहीं महाराज जी? तो महाराज जी की बात याद है कि नहीं? सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, बहुत देर से बैठे हैं, पैर को सीधा करें, एक बार सभी लोग प्रेम से नाचेंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
इसलिए उठा के रखा तो बोले बस हम हरि बोल देते हैं। एक बार आप लोग हरि बोल बोले नितारी गौर हरि बोल। तो महाप्रभु बोले भक्त बोले आप तो हम लोग बोल दिए हरि बोल, आप तो हाथ नीचा कर लीजिए। बोले दिमाग खराब है, मैं हाथ नीचा कर लूंगा तो फिर हरि बोल कोई बोलेंगे नहीं। तो बोले कब तक आप हाथ ऊपर करके रखेंगे। बोले देखो ये जो भक्त बन गए हैं और पीछे जो बनेंगे जो मातृ गर्भ में है उसको भी हरि बोल बुलाना है, इसलिए हाथ उठा के रखता हूँ। बोले प्रभु वो मातृ गर्भ से जन्म लेकर आ गया और हरि बोल बोल दिया तब तो हम हाथ नीचे करेंगे। बोले नहीं। बोले क्यों। बोले फिर पीछे जो जन्म लेके आएगा वो भी तो नहीं हरि बोल बोलेंगे, इसलिए बोले कितने दिन तक करेंगे। बोले 432,000 जितने दिन कलयुग है कम से कम इतने दिन हम हाथ उठा के रखें, इसलिए निदाई गौर हरि बोल। आप देखिए हाथ इसलिए उठाया कि अब क्या बोलना है आप लोगों को, क्या बोलना है। अच्छा वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं। अरे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आज व्रत है क्या। नेक जोर से। अरे क्या बोलना है। नेक और जोर से। अच्छा प्यार से बोलेंगे, सब लोग हाथ उठा लीजिए ऊपर, हाथ उठाकर प्रेम से ताली बजाकर बोलेंगे। प्रेम से बोलो आवाज में आ रही है। हाथ उठा के
उठाया उनका क्या हाथ नहीं है क्या? पीछे लोग हाथ नहीं उठाए, क्या बात है? आ? एक बार सभी लोग प्रेम से उठाएंगे, एक बार प्रेम से उठाकर बोलना है। Hey, 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 hey